तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी, जिसके लिए हम सबसे पहले ये आलू इस्तेमाल करेंगे और ये हम इसके स्किन के साथ इस्तेमाल करने वाले हैं इस आलू को। इसलिए इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका जितना मिट्टी था उसे अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे किस तरह कट करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो ये हमारा आलू है उसको बीच में से डिवाइड करना है, बीच में से काट लेना है। और जैसे आप बीच में से काट लेंगे उसके बाद जो ये एक पीस बचेगा उसको भी बीच में से कट कर लेना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद जो ये एक पीस है उसको भी बीच में से कट कर लेंगे। आपको एक ट्रायंगल सा शेप बनाना है, ना इसे छीलना है और ना ही आपको नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज की तरह बॉक्स बॉक्स काटना है। ये इस तरह ही बनता है, तो ये आसान है बनाने में और उतना ही मज़ेदार है। तो हम जितने भी आलू हैं उन सब आलू को इस तरह कट करके रख लेंगे। मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ ये किस शेप का है। आपको एग्जैक्ट ऐसे ही शेप का कट करना है और ये खाने में बहुत मज़ा आता है। बाकी का प्रोसेस क्या है वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अब हमें आलू को बॉईल करना है, उसके लिए मैं स्टोव में पानी ऐड कर ले रहा हूँ। आप जो बर्तन में इसे बॉईल करना कंफर्टेबल समझते हैं आप उसमें कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद जो हमने आलू काट के रखा था उन सारे आलू को इसमें ऐड कर लेंगे पानी में और इसे अच्छे से कुक कर लेना है। बट ज़्यादा आपको ओवर कुक नहीं करना है, हमें एक मीडियम स्टेज तक ही करना है। वो स्टेज मैं आपको दिखाऊंगा आगे, जब ये जितना हमें कुक करना है उतना हो जाएगा उसके बाद। तो सबसे पहले हम पूरा आलू इसमें ऐड कर लेते हैं। मुझे 10 मिनट हो चुका है इसे मीडियम फ्लेम पे पकाते हुए। अभी इसे एक बार चेक कर लेना है। कैसे चेक करना है उसका भी एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, आप किस तरह से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें से 2 पीस ले रहा हूँ और इसे किसी प्लेट पर रख लेंगे और आप देख सकते हैं जो इसका एजेस है वो कहीं से भी टूटा नहीं है। जैसा हमने स्ट्रेट कट किया था वैसा स्ट्रेट कट है और मुझे लग रहा है कि ये परफेक्टली कुक हो चुका है जितना हमें चाहिए। बट इसे कैसे टेस्ट करना है वो भी आप देख सकते हैं। ये मेरे पास एक टूथपिक है, हम ये टूथपिक को इसके अंदर डाल के देखेंगे और अगर ये इजीली इसमें जा रहा है इसका मतलब ये पक चुका है। और अगर आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से या फोक स्पून की मदद से भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये हमारा पक चुका है, हम गैस को करेंगे ऑफ और इन सारे आलूओं को हम पानी में से निकाल लेंगे। अब वक्त है आलू को फ्राई करने का, जिसके लिए हमने जो ये ऑयल लिया है वो अच्छे से गर्म हो चुका है और हम जो बॉईल किए हुए आलू लिए थे वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। बट एक बात का ख्याल रखिएगा, जो हमें ऑयल का टेम्परेचर रखना है वो आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है, क्योंकि हमें आलू को धीरे धीरे इसे कुक करना है। कि हमें फर्स्ट फ्राई में खाली इसका ऊपर से एक लेयर आए स्किन का और सेकेंड टाइम में हम इसको जब फ्राई करेंगे तो और भी क्रिस्पी होगा और थोड़े लंबे समय तक ये क्रिस्पी रहेगा। तो इसलिए हम इसे डबल फ्राई करने वाले हैं। तो आप एक बार में इतने ही आलू इसमें डालेगा जितना आप इसको हैंडल कर पाए, एकदम से भर मत दीजिएगा वरना अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं इसको 2 बैच में फ्राई करने वाला हूँ। अभी मैंने 1 बैच डाला है और 1 बैच में नेक्स्ट टाइम में फ्राई करूँगा। तो मुझे 6 से 7 मिनट हो चुके हैं इसे मीडियम फ्लेम पे तलते हुए और अभी आप देख सकते हैं जो हमारे आलू है वो किस तरह ऊपर तैर रहे ऑयल में, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक बार इसे पास से दिखा दूँगा ताकि आपको भी पता चले कि ये किस स्टेज पे है। और अभी आप देख सकते हैं पास से किस तरह इसका स्किन आ चुका है और किस तरह अच्छे से पक चुका है। तो ये पूरी तरह रेडी है, हम इसे निकाल देंगे और जो हमारा बाकी बचा हुआ आलू है उसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उन सब को कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रीज़र ना हो तो आप नॉर्मल भी इसे रख सकते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। उसका जब हम इसे सेकेंड टाइम फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होगा और अच्छे से क्रिस्पी भी होगा और थोड़े लंबे समय तक भी ये क्रिस्पी रहेगा। तो ये इसका एक अच्छा टेक्निक है, आप इसे इस्तेमाल कीजिए अगर आपको थोड़ा लंबे समय तक इसे क्रिस्पी रखना है। तो अगर आपको तुरंत खाना है तो आप इसे एक बार फ्राई कर लेंगे अच्छे से तो भी आपका ये अच्छे से आपको टेस्ट देगा प्रॉपर। तो ये सेकेंड बैच को भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगा और जब तक ये फ्राई हो रहा है मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस दिखाऊँगा। हमें एक चीज़ी डिप कैसे बनाना है मैं आपको चीज़ी डिप का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून बटर ऐड करेंगे, बस ये वाइट बटर है, आप नॉर्मल बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं ये बटर यूज़ कर रहा हूँ। बटर हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ऐड करूँगा और हमें इसे चलाते हुए मैदे को थोड़ा सा भून लेना है बटर में ताकि जो मैदे का कच्चापन है वो निकल जाए। तो हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है।
आप देख सकते हैं इसे अच्छे से भून लिया है, इसे गोल्डन कलर आ चुका है, तो ये रेडी है। अब वक्त है इसमें दूध ऐड करने का। तो मैं इसमें आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करने वाला हूँ, जिसमें से मैं पहले आधा दूध ही इस्तेमाल करूँगा, पूरा एक साथ नहीं डालूँगा, क्योंकि इसका जो लम्स है वो हटाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जो आपका ये चीज़ी डिप्ड है या चीज़ी सॉस बोलो, वो आपका अच्छे से स्मूथ सा नहीं बनेगा। तो आपको पहले आधा दूध इस्तेमाल करना, या तो कहो इससे भी कम आप करोगे तो भी आपको अच्छा है, आपको ये हैंडल करने में आसान होगा। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि मैं इसे किस तरह चला चला के इस तरह से दबा दबा के इसका जो लम्स है वो हटा रहा हूँ, आपको पहले इसे पूरी तरह लम्स हटा लेना है, उसके बाद जो बचा हुआ दूध है हम बाद में ऐड करेंगे। एक बार इसको अच्छे से चला लेने के बाद अब जो बचा हुआ दूध था वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और फिर से हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे चलाते हुए। तो थोड़ा टाइम लगता है, बट उसके बाद आप देख सकते हैं जब आपका पूरा लम्स निकल जाएगा कितना स्मूथ सा आपका ये बैटर टाइप हो जाएगा, तो आपका जो सॉस है वो भी अच्छा बन जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास चीज़ हम यूज़ करने वाला है बस 200 ग्राम्स चीज़ है, तो वो हम चीज़ को इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, बट मैंने इसे ब्लॉक्स में काट लिया था। तो अब हम इसमें चीज़ ऐड करने के बाद हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए इसे भी मेल्ट कर लेंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। तो चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देखते हैं थोड़ा सा थिक हो चुका है और काफ़ी अच्छा स्मूथ सा सॉस हमारा रेडी हो चुका है। तो अब वक्त है इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करने का। तो क्या क्या ऐड करना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रहा हूँ, हालांकि हमारे चीज़ में सॉल्ट होता है, बट जो हमने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट लगेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपको वाइट सॉस पसंद है तो आप ऐसा ही रखिएगा, बट मुझे थोड़ा सा कलर अच्छा लगता है और ये अलग सा एक लुक भी देगा, इसलिए मैं यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो सॉस है दिखने में और भी टेम्पटिंग दिखे। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा और इसे पका लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका जो कलर है काफ़ी चेंज हो चुका है और अभी देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो हमारा जो चीज़ सॉस है वो रेडी है, हम गैस को करेंगे ऑफ और इसको साइड में करेंगे, और जो हमारा फ्रेंच फ्राइज था उसको हम सेकेंड फ्राई करेंगे। तो सेकेंड फ्राई के लिए मैंने ऑयल को एकदम अच्छे से गर्म कर लिया, एकदम हाई फ्लेम पे इसे रखना है और एकदम गर्म करना है ऑयल को ये फ्राइज डालने से पहले। और आप जैसे देखेंगे जैसे मैंने फ्राई डाला है वो एकदम फास्ट एकदम बबलिंग हो रहा है, क्योंकि ये ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हॉट है और बहुत ज़्यादा हमें इसे गर्म करना है। और इसे फ्लैश फ्राई कहते हैं, जो आपको झटके में आपका फ्राई हो जाएगा, तुरंत आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स इसको आपको 20 से 25 सेकेंड ही लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं कलर जैसे फटाफट चेंज हो रहा है और ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था सेकेंड टाइम में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 सेकेंड ही लगेगा, क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ये फटाक से सेकेंड टाइम में आपका फ्राई हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो मैं आपको पास से दिखा देता हूँ ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुका है और कितना अच्छा क्रिस्पी हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो ये रेडी है, अब चलिए कर लेते हैं प्लेटिंग। तो आज का हमारे चीज़ी फ्रेंच फ्राइज की रेसिपी तो बनके पूरी तरह तैयार है। आपने देखा कितना आसान है ये बनाना, आप भी अपने घर पे जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है एकदम रेस्टोरेंट की तरह और बहुत ही टेस्टी होता है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए, अपने फैमिली के साथ बना के इन्जॉय कीजिए, उन्हें भी खिलाइए। और मैं आपसे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को अब तो सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच पाए और आप उस वीडियो को भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप चाहे तो मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे और भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं, आप उसे भी देख के इंजॉय कर सकते हैं। और आपको अगर कोई थॉट शेयर करना हो या मुझसे कुछ कहना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर से पढ़ूँगा, और मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छे लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ किसी नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।